प्रतापगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत के बाद हड़कंप मच गया। पत्रकार की पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही सुलभ की जान को खतरा भी बताया है। वहीं आरोपों के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई है। रात के अंधेरे में घटी घटना, पत्रकार की हादसे में हुई मौत, मौत पर पत्नी ने उठाई सवाल, हादसा या साजिश। प्रतापगढ़ में एबीपी गंगा की संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की मौत की खबर जैसे ही आई वैसे ही हड़कंप मच गया। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सच को उजागर करने की मुहिम के सच्चे सिपाही सुलभ श्रीवास्तव देर शाम एक खबर के लिए निकले थे, जिसके बाद परिवार वालों को मिली सूचना कि सुलभ श्रीवास्तव को एक्सीडेंट हो गया और बाइक पलटने से सिर में गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में सुलभ श्रीवास्तव को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान सुलभ श्रीवास्तव की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में पत्रकारों के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों का जमावड़ा लग गया। पुलिस ने इसे हादसा करार दिया। तो अभी प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा, लेकिन उसके बाद भी जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। मौत पर परिवार ने उठाई सवाल, साजिश की तरफ किया इशारा। मौत की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची कोहराम मच गया। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की पत्नी रेणुका ने इसे हादसा नहीं बल्कि साजिश करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर केस हम समझते हैं, लेकिन हम ये पक्का भी नहीं कह सकते हैं, बस ये मेरी सोच, हमको लगता है ऐसा। मतलब आपको आशंका इस बात की है कि ये हादसा नहीं हुआ है, हत्या है सीधे तौर पर? जी जी जी, हमको ये आशंका है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हत्या है और हम इससे सीबीआई से जांच मांगते हैं। दरअसल रेणुका श्रीवास्तव का आरोप है कि खबर चलाने के बाद से लगातार सुलभ परेशान रहने लगी थी। इसका जिक्र कई बार उन्होंने अपनी पत्नी से किया था कि उनको धमकी मिल रही है। यही नहीं, रेणुका का कहना है कि खुद की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी और इसके लिए आला अधिकारियों को लेटर भी लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, हम लोग से तो कोई मिसबिहेव नहीं करते थे, लेकिन वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थे, जैसे बैठे रहते थे तो हम पूछते क्या हुआ, निकी पापा कोई बात हुई तो कहे अरे कोई न्यूज़, शायद ये नहीं पता कौन सी न्यूज़ थी क्या न्यूज़ थी, कोई न्यूज़ वो चलाए थे जिससे वो थोड़ा सा परेशान थे, लोग उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते थे, उनको लगता था कि जैसे हम जा रहे हैं तुम्हारे लोग पीछा कर रहे हैं, और उन्होंने इसीलिए एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन उस एप्लीकेशन का कोई किसी ने मान ही नहीं रखा, ना उनको कोई सुरक्षा दी गई, उसी कारण से आज वो हम लोग के पास नहीं रहे। अगर उनकी इस बात को मानी जाती, सब लोगों ने ध्यान देते तो आज वो हम लोग के पास होते। रेणुका लगातार अपने पति की हत्या को साजिश करार दे रही है, साथ ही रेणुका की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और उनके परिवार को भी सुरक्षा दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पत्रकार यूनियन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं एबीपी गंगा पर जैसे ही खबर चली अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। यही नहीं, परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराने के आदेश दे दिए गए हैं। ये जहां से भी कहेंगे, जिस एजेंसी पे इनको भरोसा होगा, अभी जैसे दाह संस्कार हो जाएगा उसके बाद इनकी पत्नी से और जो इनके परिजन है और जो प्रेस क्लब के साथी हैं उनसे बातचीत कर ली जाएगी, जिसमें संतुष्ट होंगे उस तरह की जांच की जाएगी, क्योंकि पुलिस के काफ़ी बेहद करीब रहे, लगातार हम लोगों से बातचीत होती रहती थी, तो कोई भी बात इनके जो परिवार से वो छुपी नहीं है। अगर इनको लगता है कि कहीं किसी पर शक जाहिर करेंगे तो बिल्कुल वहां पर विवेचना हटा दी जाएगी, दूसरी जगह से की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने इस मामले में साफ कर दिया कि परिवार जिस तरह चाहेगा मामले की जाँच उसी तरह की जाएगी, सीबीआई जांच की लिखित मांग होने पर उसे शासन को भेजा जाएगा। परिवार का ये कहना है कि उनकी मृत्यु जो है कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि उसमें उसके पीछे उसकी जांच कराई जाए, उन्होंने इस जांच के लिए हमें अपना ज्ञापन भी दिया है, और उसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी सपोर्ट करने के लिए और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए और आगे की उनके जीवन के लिए एक नौकरी की मांग की गई है। इन सभी मांगों पर विचार करते हुए, इन सब पे शासन को संदर्भित करते हुए जितनी ज्यादा से ज्यादा हम सहायता करा सकते हैं वो हम सहायता कराएंगे। फिलहाल जो आरोप रेणुका की तरफ से लगाई जा रही है बेहद गंभीर है। अगर वाकई
सुलभ ने बार बार अपनी जान को खतरा बताया था और सुरक्षा देने की मांग की थी, तो पुलिस प्रशासन ने उनकी क्यों नहीं सुनी। और अब पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा की मांग वाला पत्र कल ही एडीजी को मिला। खैर, पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की पत्नी रेणुका के आरोपों की जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई यह हादसा है या फिर कोई साजिश। एबीपी गंगा के लिए प्रतापगढ़ से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। चार साल के शिवा ने पाताल विजय कर ली है, उसे सकुशल बाहर निकाला जा चुका है और बच्चे ने 9 घंटे की जंग के बाद मौत को हरा दिया। लेकिन पहले के मामलों की तरह इस बार भी बोरवेल को खुला छोड़ने की लापरवाही एक जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आई। बच्चे को निकाल लिया गया है, बड़ी कामयाबी। एक 130 फीट नीचे से जिंदगी की वापसी। शिवा ने जीती मौत से जंग। लोगों की भीड़ और सेना के जवानों के चेहरे पर सुकून देखने को मिला जब 9 घंटे बाद इस बोरवेल से सकुशल 4 साल के मजदूर शिवा को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां शिवा का इलाज चल रहा। बच्चे को निकाल लिया गया है, बड़ी कामयाबी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब बच्चे को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि लगातार उत्साहवर्धन के लिए तालियां बजाई जा रही हैं। दरअसल एक बार फिर लापरवाही एक मासूम जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही थी। मामला आगरा का, जहां तमाम लाभ लश्कर के साथ जुटी सेना की ये फौज उसी मासूम की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी जो लापरवाही की वजह से 130 फीट गहरे बोरवेल में जा फंसा था। बोरवेल में फंस गया था 4 साल का शिवा। खेलते वक्त खुले बोरवेल में गिरा था शिवा। थाना फतेहाबाद के दरियाई गांव में उस वक्त एक मासूम की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई जब 4 साल के शिवा नाम के बच्चे के बोरवेल में गिरने की लोगों को जानकारी मिली। शिवा के साथ खेल रहे बच्चों ने उसके बोरवेल में गिरने की सूचना दी थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और प्रशासनिक अमला मासूम की जिंदगी बचाने की कोशिशों में जुट गया। 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, खेलते वक्त बच्चे के साथ हुआ था हादसा। सोमवार सुबह हुआ हादसे का शिकार, तुरंत स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू। प्रशासन ने रेस्क्यू में ली सेना की मदद। 9 घंटे बाद मासूम शिवा को बोरवेल से बाहर निकाला। मासूम की जिंदगी बचाई है और कहा जाए ये कॉन्फिडेंस चेहरे पर नजर आ रहा है SSP आगरा और तमाम पुलिसकर्मियों के। 9 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन चला है और उसके बाद अब जो शिवा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से लगातार उसको अब एम्बुलेंस के जरिए उसको SN मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और वहाँ उसका कहा जाए जो उसको फर्स्ट एड दी जाएगी। लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, 9 घंटे जरूर जिंदगी मौत से वो लगातार उसने संघर्ष किया है लेकिन अब शिवा पूरी तरह सुरक्षित है और जल्द ही वो घर वापसी करेगा। काफी मशक्कत के बाद भी जब प्रशासन को कामयाबी नहीं मिली तो बच्चे के रेस्क्यू के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी। एबीपी गंगा लगातार बच्चे के रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए था। बढ़ते आगे, 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ रुपयों की चोरी की तफ्तीश में हर रोज दिलचस्प खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अभी तक सोने के मालिक बाप बेटे को तलाश रही थी, अब सामने आया है कि उन दोनों को तो CBI दिल्ली और गुरुग्राम की पुलिस भी तलाश रही है। सोना साजिश और सूत्राधार में देखिए काली कमाई छिपाने वाले बाप बेटे की पूरी कहानी। चालीस किलो काला सोना के खोलने लगे राज। खजाने के इंटरनेशनल खिलाड़ियों का पर्दाफाश। नोएडा पुलिस के हाथ इतना सोना लगा था कि जिसे देखने के बाद किसी के भी दिलों की धड़कनें बढ़ जाएं। ज्वेलरी से भरे इस बंद डिब्बे को देखिए, इस खूबसूरत जेवरों से भरा डिब्बा आपकी आंखों की चमक बढ़ा देगा। इसमें कंगन है, गले का बड़ा नेकलेस है, बाजू बंद है, सब जेवर एक से बढ़कर एक चमक बिखेर रहे हैं। लेकिन ये डिब्बा तो सिर्फ पान की भर है। इतनी अकूत संपत्ति से ज्यादा उसके चोरी होने की चर्चा होने लगी थी जब नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने सदरपुर कट के पास से 2 लोगों को लड़ते हुए गिरफ्तार किया था और जब इनसे झगड़े की वजह पूछी गई तो सामने आया दंग कर देने वाला चोरी का सच। चोरी हुआ था 40 किलो सोना, करोड़ों की नकदी। सितंबर 2020 में अंजाम दी गई वारदात।
दरअसल सितंबर 2020 में अरबों रुपए की इस चोरी का शायद पता भी नहीं चलता अगर इसे चुराने वाले दो शातिरों के बीच झगड़ा नहीं हुआ होता। इस झगड़े ने ही शातिरों को पुलिस तक पहुंचाया और पुलिस इस सोने के जखीरे तक पहुंची। लेकिन इसके बाद लगातार तलाश है पुलिस को उस शख्स की जिसकी यह अकूत दौलत है, और फिर सामने आया शातिर और चालबाज बाप बेटे का चेहरा। नोएडा पुलिस ने 30 करोड़ की चोरी का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 13 किलो सोना और करीब 57 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। लेकिन जिन 6 आरोपियों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें से 4 आरोपी नोएडा के सलारपुर में रहते थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सलारपुर गाँव है जहाँ पर 4 आरोपी रहते थे, जय सिंह, बिंटू, राजन और नीरज। और जो 2 आरोपी हैं वो बूढ़ा गांव में रहते थे, वो भी पास में हैं। लेकिन इन 4 आरोपियों की लाइफ स्टाइल में इस चोरी के बाद से अचानक से चेंजेस आया, जिसको देख करके ग्रामीण भी चौकन्ना रह गए। उनका कहना है कि जो 5 से 10 हज़ार रुपए की नौकरी करता था वो अचानक से लाखों रुपए की गाड़ियों में घूमने लगा, महंगे महंगे जूते और कपड़े पहनने लगा। दरअसल ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 के जिस फ्लैट से 40 किलो सोना और 6.5 करोड़ रुपए चोरी हुए थे वो किसलय पांडे और उसके पिता राममणि पांडे के थे। पुलिस को जांच में पता चला है कि बाप बेटे फाइनेंस कंपनियों के शेयर खरीदकर करोड़ों की उगाही करते थे। उनके खिलाफ दिल्ली NCR में कई मामले दर्ज हैं। इस केस में जो 10 चोर इन्वॉल्व हुए थे उसमें हम लोग 6 लोगों को गिरफ्तार किए थे। उस 6 का जो लाइफस्टाइल हम लोग देखे थे कि कुछ लोग तो पूरा अपना जो पैसा से 1 करोड़ का जमीन भी लिया हुआ था, कुछ अपना मकान कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ा दिया था ऊपर फ्लोर वगैरह, और 1-2 गाड़ी भी ये लोग सेकेंड हैंड में खरीद के और एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टर्स का काम भी करने लगे। राममणि पांडे पर 2002 से लेकर अब तक लगभग 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसमें वो जेल भी जा चुका है। तो वहीं कुछ मामलों की जांच CBI भी कर रही है। इसके अलावा बेटे पर भी करीब 1/2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और बाप बेटे को पुलिस लगातार तलाश रही है, जिन पर फ्रॉड से लेकर धमकाने तक के आरोप लगे हुए हैं। वहीं पुलिस अलर्ट मोड पर है कि कहीं मौके का फायदा उठाकर दोनों बाप बेटे विदेश न भाग जाए। ABP गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। इश्क की एक ऐसी दास्तान सामने आई है जिसमें नाकाम होने पर एक शख्स कारोबारी से अपराधी बन गया और फिर उसने रच डाली एक वारदात की पूरी स्क्रिप्ट। लेकिन जब मामले का हुआ खुलासा तो पीड़ित परिवार ही हो गया दंग, क्योंकि दोस्ती के भेष पे दुश्मनी निकालने वाला कोई और नहीं उनके ही बेटे का दोस्त था। आशिक की सनसनीखेज दास्तान, जब प्यार में हो गया वो नाकाम तो बना लिया मर्डर का प्लान। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है बल्कि एक कारोबारी है। वो कारोबारी जिसको इश्क में मिला धोखा तो बना दिया एक खौफनाक प्लान जिसके खुलासे ने लोगों को तंग कर दिया। मेरठ के थाना पल्लवपुरम इलाके के रहने वाले कपड़ा कारोबारी सतनाम नैयर की पत्नी को 8 जून को एक फोन आया जिसमें फोन करने वाले ने 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और रकम न देने पर कारोबारी सतनाम नैयर के इकलौते बेटे सहज को अगवा करने की धमकी दी। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और जिस नंबर से फोन आया उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया तो पता चला कि जिस नंबर से फोन आया वो थोड़े ही दिन पहले चोरी हो गया था। कारोबारी के बेटे पर हुआ हमला। इस बीच कारोबारी सतनाम नैयर के बेटे सहज पर हमला हुआ जिसकी खबर मिलते ही कारोबारी का परिवार सहम गया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और तफ्तीश के जरिए पुलिस को मिला एक ऐसा सुराग जिसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस धमकी देने वाले अपराधियों तक पहुंच गई और पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बदमाश, जिसमें से एक वो शख्स था जो उस परिवार को पहले से जानता था और उसकी ही निशानदेही पर सोनू और मोनू नाम के 2 बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। और जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो दंग रह गया कारोबारी परिवार। एक परिवार का जानने वाला ही एक व्यक्ति जिसका नाम गगनदीप है, उसके द्वारा अपने कुछ साथी जो कि आपराधिक प्रवृत्ति हैं उनके साथ मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और ये पूरा एक चक्र रचा गया। इसमें अभी 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 व्यक्ति कुछ दिन से हमारे रडार पर थे,
हमें कुछ सर्विलांस के आधार पर और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ जानकारियाँ मिल रही थी। उसके साथ साथ दो व्यक्ति जिन्होंने इसमें मोबाइल छीन करके उस मोबाइल से को यूज़ करते हुए मोबाइल को और सिम को यूज़ करते हुए ये जो है इस घटना को अंजाम दिया, उनको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। प्रेमिका के लिए दोस्त बना दुश्मन। दरअसल जिन चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसमें से गगनदीप है जो खुद कारोबारी है और इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। गगनदीप ने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी प्रेमिका की नजदीकियां उसके दोस्त सहज से बढ़ गई थी, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद उसने अपने दोस्त सहज को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। इसके लिए उसने शातिर बदमाश सोनू, मोनू और निखिल से संपर्क किया। पहले 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, रंगदारी न मिलने पर सहज को मार देने की धमकी दी गई। उसके द्वारा ये बताया गया कि चूंकि ये फैमिली फ्रेंड है इस परिवार का, और ये और सहज जिसके ऊपर पहले हमला हुआ था वो लगभग हम उम्र है और एक ग्रुप में ही रहते हैं, उस ग्रुप में दिल्ली से आने वाली एक महिला मित्र के साथ में जो है एक व्यक्ति की अंतरंगता हुई, जो इस जो हमारे मुख्य आरोपी है गगन इसको पसंद नहीं थी, ये भी उसकी तरफ आकर्षित था। इसने स्वयं जो बताया कि आपस में इसी बात को लेकर के इनके बीच में विवाद भी हुआ था पहले, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उस महिला मित्र की नज़दीकी इससे हो न कि सहज से, तो इसलिए इसने घटना को ये अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने कारोबारी से अपराधी बन चुके गगनदीप को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं उसके साथी सोनू मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी भी एक शातिर अपराधी निखित पुलिस की पकड़ से दूर है जिसकी तलाश की जा रही है। इस खुलासे के बाद कारोबारी के परिवार ने राहत की सांस ली है। तो वहीं दोस्ती को नाकाम प्यार के लिए दगा देने वाला गगनदीप जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सुधीर की रिपोर्ट। जिस वक्त लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, उस वक्त कानपुर हैलेट अस्पताल में मुर्दों के नाम पर इंजेक्शन इश्यू किए जा रहे थे। इंजेक्शन कांड बेनकाब होने से कई लोगों की गर्दन फंस रही है और सवाल उठ रहा है कि आखिर मुर्दों का मुजरिम कौन है। मुर्दों को रेमडेसिविर देने पर फंसा गुनाह का कौन जिम्मेदार? कानपुर के सबसे बड़े अस्पताल हैलेट में मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन इश्यू करने के मामले का खुलासा होने के बाद से सभी के हाथ पांव फूले हुए हैं। जहां GSBM मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कमेटी गठित कर जांच के दावे कर रहे हैं, तो वही रेमडेसिविर इंजेक्शन इश्यू करने के जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिम्मेदारों के बीच फंसा इंजेक्शन का, गुनहगारों के बीच खींचतान। एबीपी गंगा के पास मुर्दों को रेमडेसिविर इश्यू किए जाने के ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो कोरोना के सबसे मुश्किल वक्त में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ का खुलासा कर रहे हैं। लेकिन इस कांड को जांच के फेर में फंसा दिया गया और जिन लोगों पर इस कांड की सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी है उनके बीच खींचतान मची हुई है। ये होता क्या है, जब वहाँ पर डॉक्टर पेशेंट का अलाउ करता है और डिमांड भेजता है, तो वहाँ पर डॉक्टर ऋचागिरी की इसकी नोडल अफसर है इंचार्ज, वो इसको ओके करते हैं। जब वो ओके करते हैं तब ये रेमडेसिविर या एम्फोटेरिसिन भी ये स्टोर से फार्मेसिस्ट इस इंजेक्शन को इशू करता है। इसका ये